अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं इस वक्त नैंडी फिजी में हूँ, एक बीच पे, लोवा लोवा बीच नाम है बीच का। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इस बीच को। और आज मेरा टॉपिक ये है, व्हाई वी चूज़ टू फिजी, हमें क्यों फिजी चूज़ करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्यों आना चाहिए। इस टॉपिक पे सारी बात करूँगा, डॉक्यूमेंट्स पे भी बात करूँगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसपे हमें आसानी से वीज़ा मिल जाता है, या फिर हमारा रुझान यहाँ पे क्यों नहीं है और दूसरे लोगों का क्यों है। देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ। आपको पता कि ये जो फिजी अब ब्रिटिश टेरिटरी रह चुका हुआ है, और यहाँ पे 100-150 साल पहले हिंदुस्तान से लोगों को लाया गया था गन्ने की काश्तकारी के लिए। और जब वो यहाँ पे आए थे और 10 साल वो यहाँ पे रह लिए थे, उसके बाद वो गए ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे ही मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। इसलिए 30-40% जो यहाँ की आवाम है वो हिंदुस्तानी है, और उनको हिंदी आती है, लेकिन वो कभी हिंदुस्तान गए भी नहीं है, अक्सर लोगों का कहना यही है। तो मैं अभी एक भाई के साथ आया हुआ था जो कि मुझे पूरा टूर करा रहे थे। तो उनके बकौल यहाँ पे और भी बहुत सारे बीचेस खूबसूरत हैं, लेकिन ये ब्यूटीफुल उनमें से एक है। चलें आज बात करते हैं कि हमें क्यों फिजी को चूज़ करना चाहिए। देखो, अगर हम मैप के हवाले से देखें, ज्योग्राफी के हवाले से देखें, तो फिजी किस जगह पे वाक़ है। देखें दोस्तों, फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जजीरा छोटा सा, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, लाइक वनुआटू है, टोंगा है, और एक दो कंट्रीज़ और आते हैं जो इसके करीब लगते हैं, तुवालु है एक कंट्री, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हैं। उन सब में से फेमस फिजी है, जिसकी फ्लाइट भी अक्सर आप देखोगे न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से आती है, और भी कंट्रीज से चलती है। अक्सर लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, या फिर न्यूजीलैंड में जाना चाहते हैं, उनका डायरेक्टली वीज़ा नहीं लगता और वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते हैं। तो वो उनका ख्वाब होता कि हमने किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो मैं उनको बताता चलूँ। देखें, जो फिजी अगर हम मैप के ऊपर देखें, यहाँ से तकरीबन 3.5-3.5 घंटे की फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की, जो सबसे करीब तरीन कंट्री पड़ता है उसको ऑस्ट्रेलिया पड़ता है फिजी को। यहाँ पे लोग आते हैं विज़िट वीज़ा लेके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हैं स्टडी परमिट पे। अक्सर यहाँ पे आपको स्टूडेंट भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान से भी आया, मैंने अक्सर यहाँ पे 2-3 पाकिस्तानियों से भी मिला हूँ जो कि यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आए थे, उनकी फैमिली यहाँ पे सेटल डाउन है, तो वो अपनी फैमिली को विज़िट करने के लिए आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती है, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो कि फिजी में स्टडी कर चुके हुए हैं, फिजी में रह चुके हुए हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया। तो भाई उस हवाले से भी कि यहाँ पे लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जब स्टडी वीज़ा पे आते हैं और उनका वीज़ा हो जाता है डी कैटेगरी का, टूरिस्ट से हट के रेजिडेंसी पे आ जाते हैं। जब रेजिडेंसी वीज़ा होता है तो आपको किसी नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा लेना बहुत आसान होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो माइग्रेट कर लेते हैं अपनी फिजी यूनिवर्सिटी से ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में 1-2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, तो यहाँ से आसानी से वो वहाँ पे चले जाते हैं। अगर नहीं भी जाना होता तो वो क्या करते हैं, यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ से मूव हो जाते हैं ईज़िली ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर इतनी आसानी नहीं लगती है किसी भाई को टूरिस्ट वीज़ा पे, अगर वो यहाँ पे आता है, जैसे आप दुबई से टूरिस्ट वीज़ा पे किसी एक दो कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज़ में टूरिज्म के लिए जाते हो, लाइक ओमान चले गए, बहरीन चले गए, कतर चले गए, सऊदी चले गए, जो 7-7 कंट्रीज़ हैं, उसके बाद आप किसी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी होते हैं और लग भी जाता है। इसी तरीके से जब आप फिजी में आते हो डी कैटेगरी के ऊपर, उसके बाद आप छोटे छोटे कंट्रीज़ जो इसके साथ हैं, लाइक वनुआटू है, तुवालु है, टोंगा है, ये भी जजीरे हैं छोटे छोटे, लेकिन फिजी उनमें से बड़ा जजीरा है। तो आप उन कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के बाद सीधा वीज़ा डालें ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का, और सीधा आप एक उनको रीज़न दे सकते हो कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने नेबर कंट्रीज़ भी ट्रैवल किए हुए हैं, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसे भाई, ऐसे लोग जो कि
ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं, न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ हैं, और उनकी डेस्टिनेशन भी ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो उनको चाहिए कि वो फिजी में आए, फिजी में अपना कैरियर बनाएं और फिजी से आगे फिर अपने नेक्स्ट कंट्री में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव करें। तो ये एक हॉट डेस्टिनेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो टूरिस्ट मिलेंगे वो मोस्टली अमेरिका से मिलेंगे। अमेरिका से बहुत सारी फ्लाइट्स चलती हैं और लोग वहाँ से, मैंने बहुत सारे, मेरे साथ अमेरिकन टूरिस्ट थे, तो यहाँ पे आपको जो टूरिज़्म मिलेगा वो फॉरनर्स पीपल ज़्यादातर मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने नहीं भी सेटल डाउन होना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो आप फिजी को एक टूरिस्ट पॉइंट बना सकते हो। यहाँ से अगर होके जाते हो, नेक्स्ट आप किसी अच्छे बड़े कंट्री का भी वीज़ा लेने में आपको आसानी होगी। उनको पता होगा कि भाई ये एक ऐसी डेस्टिनेशन से आया है जहाँ पर लोग मोस्टली जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से। तो ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है जो कि ट्रैवल करता हुआ फिजी गया, फिर वहाँ से कुछ दिन रह के वापस आ गया। तो इस हवाले से भी ये कंट्री है, आपको आसानी से वीज़ा मिलने में आसानी से वीज़ा मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी तादाद इंडियंस की हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते, इंडियंस पहले ही ज़्यादा हैं, तो उनको आसानी से एंट्री मिल भी जाती है और पाकिस्तानियों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है एंट्री उनके लिए लेना। वीज़ा का मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या है, आसानी से आप भी ले सकते हो। देखिए, मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं खुद यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर मुझे वीज़ा ना मिलता तो मैं भी ना आता, वीज़ा मिला तो मैं आया हूँ ना। तो आपको बताता चलूँ क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पे आप वीज़ा लेते हो। देखें दोस्तों, इसका होता है ई वीज़ा, एलिजिबिलिटी होती है, उस एलिजिबिलिटी लेटर के ऊपर आपने ट्रैवल करना होता है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपकी स्टंप कर दी जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आने के लिए जस्ट दोस्तों पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कार्ड कॉपी, पिक्चर, एनओसी होनी चाहिए और इन डॉक्यूमेंट 3 मंथ स्टेटमेंट हो, ठीक है, ना हो तो ग्रुप में ऐड होके आप कर सकते हो अप्लाई। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीज़ा अप्लाई करो और विद इन 18-20 डेज आपका वीज़ा अप्रूव्ड कर दिया जाता है, ऑनलाइन ही आपको सेंड कर दिया जाता है और उस पर आप फ्लाइट लेके, कनेक्टिंग फ्लाइट चलती है, डायरेक्टली तो नहीं चलेगी दुबई से, कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आप यहाँ पे आ सकते हो और आसानी से आपको यहाँ पे फिजी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। नैंडी इसका मेन एयरपोर्ट लगता है, सुवा इसका दूसरा कैपिटल है, लेकिन जो एयरपोर्ट है जहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं वो नैंडी है, नाडी लिखा जाता है लेकिन पढ़ने में नैंडी है। तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक्सप्लोर करो, इसकी ब्यूटी को देखो और दुनिया को दिखाओ, पाकिस्तानी हर जगह पर, और कोई भी नेशनलिटी है, हर नेशनलिटी आ सकती है। अच्छा, ही कुछ टूरिस्ट हैं यहाँ पे फिजियन है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, भाई लेटे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपसे नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, देख के रखना।